हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे आज के इतिहास में 7 जून की भारत और विश्व के ऐतिहासिक घटनाएं, साथ ही जानेंगे प्रमुख व्यक्तियों के जन्म, निधन और प्रमुख दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 जून की घटनाएं। 7 जून 1906 में कुनार्ड लाइन का RMS लुसिटानिया जॉन ब्राउन शिपयार्ड ग्लासगो स्कॉटलैंड से लॉन्च किया गया। 1928 में वेटिकन सिटी पूर्ण संप्रभुता राष्ट्र बना था। 1929 में लेटरन संधि को वेटिकन सिटी को अस्तित्व में लाने के लिए पुष्टि की गई। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध मिडवे की लड़ाई अमेरिकी जीत के बाद समाप्त हुई थी। 1946 यूनाइटेड किंगडम के BBC का मुख्य चैनल BBC बंद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 7 साल तक हवा से बाहर होने के बाद हवा में लौट आया था। 1962 में संगठन आर्मी सीक्रेट 500,000 पुस्तकों को नष्ट करने अल्जीयर्स लाइब्रेरी बिल्डिंग विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। 1965 संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीस वाल्ट बनाम कनेक्टिकट में अपने फैसले को सौंप दिया था। 1967 6 दिवसीय युद्ध इसराइल के सैनिक यरूशलेम में प्रवेश करते थे। 1971 US आंतरिक राजस्व सेवा के अल्कोहल तंबाकू और फायर आर्म डिवीजन ने हाथ हथगोले के अवैध कब्जे के केन वॉलेब के घर पर छाप छोड़ी थी। 1981 में इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन ओपेरा के दौरान इराक के ओसीरक परमाणु रिएक्टर को नष्ट कर दिया था। 1982 प्रिस्ली ने जनता के लिए ग्रेसलैंड खोल दिया था। 1989 सूरीनाम एयरवेज की लड़ाई 7-6-8 पायलट त्रुटि के कारण सूरीनाम में पैरामारिबो जांदरिज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 187 में से 176 की मौत हो गई थी। 1989 भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था। 1999 इंडोनेशिया में 1955 के बाद पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। 2000 संयुक्त राष्ट्र ने ब्लू लाइन को इसराइल और लेबनान के बीच सीमा के रूप में परिभाषित किया था। 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने स्टेम सेल के अनुसंधान को मंजूरी देने के विरुद्ध दूसरी बार वीटो का प्रयोग किया था। 2013 एक बस चीनी शहर जियामेन में आग लगने से कम 47 लोगों की हत्या हो गई और 34 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 2014 कांगो के दक्षिण किवू प्रांत के लोकतांत्रिक गणराज्य में हमले में 37 लोग मारे गए थे। अब जानते हैं 7 जून को जन्मे प्रमुख व्यक्ति। 1909 में अमेरिकी प्रसूति एनेस्थेटिस्ट वर्जीना एपगर का जन्म हुआ था। 1914 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ। 1974 में भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ। अब जानते हैं 7 जून को प्रमुख व्यक्तियों के निधन। तो 1954 में अंग्रेज गणितज्ञ कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का निधन हुआ। 2002 में भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बासप्पा दानप्पा जत्ती का निधन हुआ था। और 7 जून के प्रमुख दिवस में मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।